तो जी राम राम जी। तो सभी का स्वागत है हमारे एक और नए से प्यारे से वीडियो में। तो भाई आज का व्लॉग बहुत खास और अच्छा है, तो आप देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और उससे ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए चलते हैं व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इस समय मैं बना रही हूँ खाना। बच्चे तो जा चुके हैं मेरे स्कूल, तो करीब बज चुके हैं फिर 10, और 10 बजे जाके मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। घर का भी सारा काम कंप्लीट है। मित्र पापा ड्यूटी से, देखो हमारे लिए क्या लेके आए, बेर लेके आए हैं, काफी अच्छे बेर हैं, खट्टे मीठे खट्टे मीठे। तो वैसे आप लोगों को दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कितना अच्छा, मतलब कितने सारे लोग कितना अच्छे से, और यहाँ पे भी भाई बहुत धमाका होने वाला है, डांस वगैरह, लड़कियां एकदम है ना सब बोर हो गए। लड़की डांस करने आई लेकिन आदमी भी बोर हो गए, किलकारियों के साथ स्वागत करते हैं भाई। कोई आदमी आ जाए ना बेचारा 2 सेकंड में बॉलर भगा दी, और लड़की आ जाए ना कम से कम 15 मिनट तक डांस कर जाएगी, आपका फ्लोर तोड़ दीजिएगा। और हमारी भी बात ठीक है, अभी हम खाना बना लेते हैं। तो देख सकते हो भाई दशहरा का मेला में जाने से पहले डांस वगैरह हो रहा है। मित्र पर डांस कर दो, तो भाई हम मतलब सभी मेला देखने के लिए, सभी अलीसा भी आ गई है हमारे साथ मेरे पास ये तो। तो दोस्तों चलते हैं मेला देखने के लिए, और आगे देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है मेला देखने वालों की। और अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया वैसे पैदल पैदल जाना हल्के हल्के। वैसे रोड खाली खाली लग रहा है क्योंकि सभी पहुंच गए हैं, शायद मुझे लगता है कि हम लेट हो गए हैं। हाँ तो दोस्तों पूरी तैयारी हो गई है, और ये लंबे लंबे बाल वाला सबको बता रहा है कि बता रहा है कि मेरे बाल सब कैसे हैं, और ये लंबे बाल वाला सबको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। और आप देख सकते हो वैसे चारों तरफ बहुत पब्लिक है, अभी आने वाली है क्योंकि रावण को बहुत ज्यादा पब्लिक होगी तभी जलाया जाएगा, उसको अकेले जलना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों अब तैयारी हो गई है, नाच गाना करने वाले आ गए हैं, और अभी देखते हैं कौन सा डांस करने वाले हैं। देखो एक तो तैयार हो गया, 2 लड़कियां हैं और बाकी लड़कियां शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन हालांकि उन्होंने भी ब्लाउज पहन रखा है। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, और आपको चारों तरफ भीड़ नजर ही आ रही होगी, पूरी तरफ दोस्तों। भाई 7 बजे को 9 तो दियो हम आगा 8 बजे ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे सारे सबको सारे। ये देखो कितनी पब्लिक आई है, रावण देखवा गरिया तो सिर्फ कॉलोनी, रावण देख बना रावण चलावा है यार, रावण चलावा है भाई देखवा। और रावण से पूछ रो कौन से लिपस्टिक यूज करता है ताकि लेडीजों के काम आ सके। और मित्र पापा बोल रहे हैं कि रावण से पूछो कौन से लिपस्टिक लगाते हैं और मेकअप कौन से लगा के आए भाई। तो देख सकते हो सिल्की आ गई है डांस करने के लिए, बहुत गणगौर डांस कर रही है सिल्की। तो भाई सिल्की का डांस चल रहा है, मैं भी गूंज रहा हूँ। सिल्की मेरे को डांस करने के लिए बुला रही है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। अब मैं इनसे बोल रही हूँ आप भी करो डांस, देखो करने लगे बीच पब्लिक में आ रहे हैं। यही बात सच में यशु बोल रहा है पापा बैठ जाओ, यशु को शर्म आ रही थी। ये देखो कमर ही लाई लाके डांस कर रहे हैं, मैं क्या डर से। और उस लेडीजे चारों ओर की इनकी तरफ झूम गई देखने के लिए कि का ये गुजरी है भाई ये भी कुछ भी खाइमे भी शुरू हो जाते हैं ऐसे है तरह। अब बैठ गए ऐसे जैसे बहुत बड़े। अब दूसरी लड़की आ गई, देखो पिद्दी सी लड़की है बिल्कुल तितली जैसे, और डांस गणगौर कर रही है। और ये कौन से गाने पर कर रही है चलो बता देती हूँ। दुनिया में फेमस हो रही है इंस्टाग्राम की तितली छोरी ने, देखो कमर लोड़ार पटक दी बिल्कुल ही।
है बाकू तो पिद्दी सी है लेकिन डांस ऐसा कर रही है एकदम कमाल को, पूरा शरीर ही तोड़ पटक दियो। ये देखो भाई अगर डीजे की धुन होता तो मेरा वो क्या है ना कि माइक बनता है तो इसलिए आवाज़ भी नहीं है और दे भी नहीं सकते क्योंकि कॉपरेट आ सकता है और ये गाने ऐसे भाई कॉपरेट वाले। लेकिन कितनी सी छोरी है और लंबा बाड़ बाड़ वो भी बता रहा है भाई, और यहाँ पे जिन्होंने व्यवस्था किया वो लोग घूम रहे हैं रावण देखने आए। ये देखो डांस तो भयानक ही करे भाई ये लड़की है जी। लेकिन सब बोर होगा क्योंकि रावण देखा हो गया 10 बजेगा लेकिन इस वजह से और आप पब्लिक को देख सकते हो चारों ओर की। देखो कितनी इतनी पब्लिक भाई, बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई। ये देखो रावण का तो अभी दहन भी नहीं हुआ है और यहाँ पे हम लोग बैठे थे कुर्सी पे तो ये फिर से डांस करने लगा भाई। इनने तो कमाल ही कर दिया भाई, सबकी नज़र इनकी तरफ। लेडीज है इतना हंस रही थी, आदमी सब चारों ओर के इनकी तरफ देख देख के। तो अभी लड़की का डांस चल ही रहा है और इधर से देखते हैं मेरी नितारा यसु देखो ये खड़ा हो गया मेरे बगल में। और ये देखो पब्लिक चारों ओर, अभी तो मकान जिनके मकान पास में है ना उन्होंने तो अपनी छत पे से चंडिकिया ही देखना स्टार्ट कर दिया। एक लेडीज मुझसे बोल रही थी मेरे को नहीं दिख रहा है, मैंने कहा आंटी जी थोड़ी देर रुक जाए इनका डांस दिखा देती हूँ मैं, इसलिए तो देख सकते हैं भाई बहुत ज्यादा भीड़ है और हम लोग रावण देखने आए हैं। तो रावण का तो बहन होने वाला है, रावण भी देख लिया हमने और वो और भाई वो कहते हैं ना जो दूसरों की बीवी को छेड़ता है उसको अकेला खड़ा करके जलाते हैं, तो हम मत छेड़ना किसी की बीवी को। और पत्थर बगा रहे भाई रावण के ऊपर छेड़े भाई, तगड़ा ही फाटा बगा रहा है। तो ये फाटा क्यों बगा रहा है? ये भी है जो जल्दी ना कर रहा प्रोग्राम को, नहीं हो रहा है अभी तो डांस वगैरह चल रहा है। ये देखो अब काड़े काड़े कपड़े पहन के आ गए लड़की लड़का, सॉन्ग चल रहा है किसी को मेरा शौक है। ये देखो काले काले कपड़े में एकदम नाग जैसे लग रहे हैं लेकिन डांस तो अच्छा कर रहे हैं। देख सभी बच्चे लड़कियां लड़के डांस, तो रावण दहन की पूरी तैयारी हो गई है और सभी खड़े होने लगे हैं। पब्लिक आप देख सकते हो कोई छतों पे बैठा है कोई कहाँ पे बैठा है और रावण भी मुस्कुराने लग गए हैं इनकी हरकतों को देख देख के लोग बागों की को। लेकिन देखते हैं अब कितनी देर बाद इनका नंबर आता है चलने में। चलो भूख लग रही यार, चल वास्ता में बस अब तो लास्ट ही बता रहे हैं पर अब चलते हैं नहीं हम देखता देखता ये डांस गाना ने बहुत है। होने जा रहा है सभी अतिथियों के साथ में हम रावण दहन का कार्यक्रम करेंगे। एक बार बीजेपी की रैली बोल रही हूँ थकिन तो इसलिए सिर दुख रहा है सही में हिंदू थक गई है मैं और दोस्तों जिस चीज का आपको इंतजार था वो खत्म होने को जा रहा है और रावण दहन चालू होने वाला है। और इधर खेलू की थक गई है, खेलू क्या हुआ Thank you.
और रावण जी के मुकुट से शुरुआत हो चुकी है और अब देखो नीचे भी कपड़ों में भी लगने लगी है। रावण दहन चालू हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो कितना मस्त बस अब हम भी जाने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू आपका सपना पूरा हुआ, यशु देख लिया, आ गया मजा। चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे, चलते हैं दोस्तों। हमने रावण को जलता हुआ देखा और हम काफी देर से बैठे हुए थे, भूख भी लगने लग गई और अब हम जा रहे हैं।